हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम जाली वाला बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डोरमेट बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये दो कलर ले लिए हैं, एक ये पिंक और क्रीम में ले लिया है। देखिए ये हमारा डबल शेड में है और एक ये ग्रीन कलर ले लिया है। तो इसे बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें 18 फंदे डाल लेंगे। 18 फंदे डालने के लिए देखिए, हम यहाँ पर एक नोट बनाएंगे इस तरह से। ये एक नोट बनाएंगे हम यहाँ पर, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देखिए काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 फंदे डाल लिए हैं। अब देखिए ये फर्स्ट रो हम सादा रो डालेंगे इस तरह से, और इस रो को थोड़ा सा आराम से उतारेंगे इस तरह से। जब हम फंदे डालते हैं तो फर्स्ट रो आराम से निकालते हैं इस तरह से, देखिए ऐसे निकाल लेंगे। अगर इस रो को हम जल्दी में निकालते हैं तो हमारे जो है फंदे लूज हो जाएंगे, इसलिए इसे आप आराम से ही निकालें। देखिए पूरी रो हमने सिंपल निकाल ली है इस तरह से, देखिए ऐसे। अब हमें क्या करना है, देखिए इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे और इस पट्टी को साथ में लपेट लेंगे, जो ये हमने फंदे डालने के लिए नोट बनाया था ऐसे। इस फंदे को देखिए सिंपल बनाएंगे इस तरह से, पट्टी को आगे की तरफ करेंगे ऐसे, और दो फंदे का एक फंदा बना देंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे इस तरह से ऐसे। फिर से देखिए पट्टी आगे करेंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे इस तरह से ऐसे। फिर से पट्टी आगे करेंगे और दो फंदे का एक बनाएंगे। देखिए अगर आप फ्रेंड्स इस मैट को बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें फंदे बढ़ा भी सकते हैं। देखिए ये हमने 1, 2, 3 बार बनाया, ये 4, 4 और ये 5, तो देखिए यहाँ पर 5 बार बनाएंगे इस तरह से, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
ये 5 बार बनाया, एक बार फिर से बनाएंगे, ये हम यहाँ पर 6 बार बनाएंगे इस तरह से, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदे जो हैं इन्हें उल्टा उल्टा बना लेंगे। जो लास्ट के फंदे हैं इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। इस तरह से देखिए, लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस तरह से देखिए, इस फंदे को उतारेंगे और बाकी पूरी रो उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टी रो उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे। तो चलिए उल्टी रो में निकाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी रो हमने उल्टी उल्टी निकाल ली है। अब देखिए इस फंदे को हम बनाएंगे और वापस इसी नीडल्स में डाल लेंगे, फिर से एक बार फिर से इस फंदे को बनाएंगे इस तरह से, देखिए ऐसे, और धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर देखिए दो का एक बनाएंगे, अपनी तरफ पट्टी को करके इस तरह से अपनी तरफ पट्टी करेंगे और दो का एक बनाएंगे। ये हमारी यहाँ पर फंदा भी नहीं घटेगा और जाली भी डल जाएगी इस तरह से बनाने से। देखिए फिर से बनाएंगे ऐसे, ये देखिए फिर से बनाएंगे, एक बार फिर से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से, देखिए ये 1 2 3 4 5 5 बार बनाया और इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट के दो फंदे पहले छोड़े, दो फंदे अब छोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 4 फंदे बच गए इस तरह से। अब देखिए यहीं से वापस मुड़ जाएंगे और उल्टी रो उल्टा उल्टा निकाल लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे और देखिए ये जो हमने चुन्नी की कटिंग की थी इसे इस तरह से पट्टी को लपेट लेंगे ऐसे ऐसे, और उल्टी रो पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ऐसे बनाएंगे उल्टे को, देखिए उल्टा उल्टा ऐसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए फिर से हम इस फंदे को बनाएंगे और वापस इसी नीडल्स में डालेंगे, एक बार फिर से बनाएंगे। देखिए इस तरह दो बार इस फंदे को बनाने से हमारी जो यहाँ पर है ये इस पट्टी में खिंचाव नहीं आएगा, इस तरह से बनता चला जाएगा ऐसे। फिर देखिए हम पट्टी को अपनी तरफ करेंगे और देखिए यहाँ पर दो का एक बनाएंगे, ये 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए हमने 10 फंदे बनाए और 8 फंदे पीछे
ऐसे छोड़े, ये इसे दो दो करके दो छोड़े चार, और अब की बार ये दो फंदे उतारेंगे, दो फंदे हम छोड़ देंगे, ये दो फंदे छोड़े और वापिस यहीं से पलट जाएंगे। और उल्टी रो पूरी उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो चलिए उल्टी रो बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी रो हमने उल्टी उल्टी बना ली है। फिर से हम फर्स्ट फंदे पे आ गए हैं। इस फर्स्ट फंदे को एक बार बनाएंगे और दोबारा से नीडल्स में डालेंगे, फिर से एक बार फिर से बना देंगे इस तरह से। और फिर देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और ऐसे दो का एक बनाएंगे, ये एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे से हमें दो, ये हमने पांच बार बनाए तो हमारे दस फंदे हैं, एक फंदा हमारा यहाँ पर बच गया। तो देखिए दो फंदे हम अब की बार फिर से यहाँ पर छोड़ेंगे, दो दो चार दो छः दो आठ, ये आठ फंदे हमने छोड़ दिए, दस फंदे पे हमने ये जाली डाली है इस तरह से। दो का एक बनाते हुए इसमें हमारा ना तो फंदा घटेगा और हमारी जाली भी बन के आएगी इस तरह से। अब देखिए हम वापिस यहीं से पलट जाएंगे इस तरह से। यहां से पलट जाएंगे और इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह। ये देखिए जो फर्स्ट फंदा हम इस तरह से बनाएंगे, उस फंदे से हमें ये हमारा यहाँ से लूज इस तरह से खिंचाव नहीं आएगा, इस तरह से बन के आएगा। तो इसी तरह से आप इस फंदे को दो दो बार बनाते हुए बनाइएगा, इस तरह से हमारी कली का जो है ये ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब देखिए इस रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। देखिए इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे पर, देखिए इस तरह से, और बाकी रो उल्टे उल्टे बना लेंगे। पट्टी को अपनी तरफ करेंगे, इस तरह से देखिए यहां पर उल्टे उल्टे बनाएंगे ऐसे। और जो ये फंदे हमने छोड़े थे सभी फंदे साथ में ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर गैपिंग के लिए फंदा उठाएंगे और दो का एक बना देंगे इस तरह से, सभी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। ऐसे ऐसे बन के आएगी देखिए हमारी कली, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसानी से बनने वाला, सब बहुत ही जल्दी बनने वाला और बहुत ही सुंदर सा हमारा ये मैट बन जाएगा। अब देखिए हम उल्टी तरफ से सेकंड कलर लगाएंगे, यहाँ पर देखिए सेकंड कलर लगाएंगे, और ये पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। देखिए इस पिंक को टाइट कर देंगे ऐसे, और इसको ऐसे दबा लेंगे इसके नीचे ऐसे, और पूरी रो उल्टी उल्टी बनाएंगे ऐसे। ये देखिए यहां से हमारी दूसरी गली शुरू हो गई है ऐसे।
इस तरह से देखिए पूरी रो उल्टा उल्टा बना ली है ऐसे ऐसे। देखिए एक कली हमारी बन गई है, अब हम दूसरी कली बना रहे हैं। तो उसके लिए देखिए इस फंदे को हम बनाएंगे, वापस इसी नीडल्स में डालेंगे और एक बार फिर से बना लेंगे। इस फंदे को हमें दो दो बार बनाना है और पट्टी को अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। यहाँ पर देखिए दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे से हमें दो फंदे से एक फंदा बनाएंगे। तो इससे हमारा क्या है कि फंदा भी नहीं बढ़ेगा और हमारी जाली भी बन के आएगी। अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे पट्टी को और ये बाकी फंदे उल्टा उल्टा बना लेंगे। देखिए तीन चार पाँच छ छ और ये दो फंदे छोड़ देंगे ऐसे और वापिस यहीं से पलट जाएंगे और उल्टी रो पूरी उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए देखिए फ्रेंड्स हम इस पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने इस कली को बनाया उसी तरह से हम सारी कली बनाएंगे और इस मैट को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा डोरमैट कैसा लगा। देखिए इस तरह से बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार मैं फिर से बताती हूँ आगे का फंदा। इस फंदे को देखिए हम ऐसे बनाएंगे और वापस इस नीडल्स में ऐसे डाल लेंगे। देखिए फिर से एक बार फिर से बनाएंगे इस फंदे को इस तरह से। और यहाँ पर देखिए दो का एक बनाते हुए हमें पांच बार बनाना है, पांच फंदे, दस फंदे से हमें इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें फंदा भी नहीं घटाना है और जाली भी बढ़ाएंगे भी नहीं और घटाएंगे भी नहीं, ऐसे ही हम आगे की तरफ करेंगे और ये हमारी जाली बन के आएगी इस तरह से। देखिए इसी तरह से हम इसके बाद पिंक कली डाल देंगे। अगर आप इसे मल्टी कलर में बनाना चाहें तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं ये मैट बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। थैंक यू। देखिए इस तरह से बनाते हुए मैंने एक दो तीन चार पाँच, पांच कली बना दी है। इसी तरह से बनाते हुए एक हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, एक पिंक कलर से बनाते हुए इस पूरे मैट को कंप्लीट कर लेना है। देखिए ये जाली वाला हमारा बहुत ही सुंदर सा गोल आकार में मैट बन के आएगा। इसे बनाना बहुत ईजी है, बिगनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने इसे आपको बनाना बता है। इस तरह से देखिए ये हमारा बन के आएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जैसे मैंने ये कली बनाई है, इसी तरह से हम सभी कली बनाकर इस मैट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर पूरा मैट बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए ये मैंने एक दो तीन चार पाँच, पांच कली बना के आपको दिखाया है। जैसे हमने ये कली बनाई है उसी तरह से हम सभी कली बनाएंगे। बनाने का तरीका सेम है, आप इसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं। जहाँ पर मैंने यहाँ पर 18 फंदे डाले हैं आप इसमें दो के मल्टीपल में फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से बनाते हुए आप इस मैट को कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा ये मैट बन के आएगा इस तरह से।